बाइटीज में सबका वेलकम है। आज की कहानी है एक योद्धा के बारे में जिसका नाम है शी जॉन यून। उसके माता पिता को बचपन में ही किसी ने मार दिया था ताकि उनसे वो खजाने का नक्शा हासिल कर सके। अब शी जॉन यून अपने माता पिता का बदला लेने के लिए उन हथियारों को ढूंढ रहा है जिन्होंने उसके माता पिता को मारा था। शी जॉन गोस्ट वैली में पला बड़ा है और वो वहाँ से ही लड़ने की पूरी कला सीखा है। भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ईस्ट मेलबेरी के राजा चाई शिंग को दिखाया जाता है। उन्होंने एक सभा बुलाई हुई थी जिसमें उनका बेटा रूई और जनरल झाओ भी मौजूद होते हैं। जो प्रिंस रूई है उन्होंने ही जनरल झाओ को जनरल बनाया था। प्रिंस रूई अपने पिता से कहता है कि हमें वो तांबे का नक्शा मिल चुका है जिसमें एक खजाने का राज छिपा हुआ है। दरअसल वो नक्शा गवर्नर गांव के पास है। अब किंग पूछता है कि नक्शे को लेने के लिए उसके पास कौन जाएगा। जनरल झाओ कहता है कि मैं उस नक्शे को लेकर आऊँ। दूसरी तरफ हमें साउथ पैगोडा राज्य को दिखाया जाता है जिसके राजा का नाम है मेग शोंग और उसकी पत्नी का नाम है लेडी प्लियोर। लेडी फ्लोर अपने पति को बताती है कि जनरल झाओ गवर्नर के पास उस नक्शे को लेने के लिए गया है जिसके ऊपर खजाने का राज छिपा हुआ है। राजा कहता है कि मैं उस खजाने को लेने के लिए जाऊंगा, लेकिन लेडी फ्लोर कहती है कि महाराज मैं उस नक्शे का पता करके आपको खुद बताऊंगी, मैं स्वयं ही उसका प्रबंध आपके लिए कर दूंगी। फिर हमें गोस्ट बेली को दिखाया जाता है। दरअसल इसे हथियारों की घाटी भी कहा जाता है। जब राजाओं को किसी को मरवाना होता है तो वो इन हथियारों को हायर करते हैं और हमारा हीरो शी जॉन यूंग भी यहाँ पर ही पला बड़ा हुआ है। फिर हमें प्रिंस रूई को दिखाया जाता है जो कि गोस्ट वैली में आया हुआ है। वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो जनरल झाओ को मरवा सके और अपनी छवि अपने पिता की नजर में सही कर सके। फिर हमें जनरल झाओ को दिखाया जाता है जो कि गवर्नर गु के पास गया हुआ है ताकि वो उस नक्शे को उससे हासिल कर सके। तभी वहाँ पर गोस्ट वैली के लोग आते हैं जो कि वहाँ पर कलाकार बनकर गए हुए थे। तभी वो जनरल झाओ पर हमला कर देते हैं। दूर से ही हमारा हीरो उन सभी को देख रहा था, तभी वो उधर जाकर जनरल झाओ पर हमला कर देता है क्योंकि वो भी गोस्ट वैली का एक हथियारा है। जनरल झाओ और शी जॉन यूंग अब लड़ाई करने लगते हैं। जब जनरल झाओ को वो मारने लगता है तभी उस पर पश्चिम के लोग हमला कर देते जो कि जनरल झाओ के बॉडीगार्ड हैं। शी जॉन यूंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये पश्चिम के लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो उनसे डट कर मुकाबला करता है लेकिन वो चार लोग होते हैं। किसी तरह से उसके लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। शी जॉन अब काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे उस नक्शे के बारे में पता चल चुका था क्योंकि किसी ने उसी नक्शे के लिए उसके परिवार को खत्म कर दिया था। अब वो उस बंदे को ढूंढना चाहता है ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि गिटार बजा रही थी। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और काफी ज्यादा फ्रैंक भी हो जाते हैं, साथ में रात बिताते हैं। उसके बाद सुबह जब शी जॉन जाने लगता है तो वो लड़की उसे जाने से मना करती है क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे जाना होगा। शी जॉन अब जाने लगता है लेकिन उसका मास्टर उसे वहीं पर मिल जाता है जो कहता है कि उसे गोस्ट वैली ने उसे मारने के लिए भेजा है क्योंकि उसने उनके नियमों का पालन नहीं किया है और वहाँ पर जनरल झाओ पर हमला कर दिया। यहाँ पर ये दोनों भावुक हो जाते हैं लेकिन उसका मास्टर कहता है कि तुम मेरे पर हमला करो और इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाओ। शी जॉन अब ऐसा ही करता है। शी जॉन अब प्रिंस रूई से मिलने जाता है ताकि वो उस नक्शे के बारे में पता कर सके, लेकिन उन पर तभी गोस्ट वैली का एक खतरनाक लड़ाका हमला कर देता। शी जॉन तो किसी तरह से बच जाता है लेकिन वो प्रिंस रूई को नहीं बचा पाता। प्रिंस रूई की वहीं पर हत्या हो जाती है। वो खतरनाक योद्धा अंदर आता है। शी जॉन यून उसको सारी बात बताता है कि असल में बात क्या है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लेडी फ्लेयर की पूरी सेना पहुँच जाती है जो कि यहाँ पर उस नक्शे को लेने के लिए आए हैं। सेना इन पर हमला करती है लेकिन ये दोनों लोग सेना को पछाड़ कर रख देते, लेकिन लास्ट में शी जॉन यून और उसकी गर्लफ्रेंड
खुद ही लेडी फ्लेयर के आगे सरेंडर कर देते हैं। ही जॉन जानता है कि लेडी फ्लेयर ने उन लोगों को क्यों पकड़ा है। वो कहता है कि सीधे सीधे उसको सारी बात बताओ। लेडी फ्लेयर उसे बताती है कि उसे उसका एक काम करना है। दरअसल उसे किंग शाई शिंग को मारना है और बदले में वो उन लोगों का नाम बताएगी जिन्होंने उसके परिवार को मारा है। अब शी जॉन यून उस बात के लिए मान जाता है। यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज कराई जाती है जिसमें एक तरफ ईस्ट मेलवेरी का राजा होता है और दूसरी तरफ साउथ पैगोडा का राजा होता है, और यहीं पर ही शी जॉन को किंग शाई शिंग को मारना था। लेकिन तभी वहाँ पर गोस्ट वैली के हथियारे हमला कर देते हैं और इन सभी लोगों को मार देते हैं, सिवाय वहाँ पर जनरल झाओ और शी जॉन यून ही बचते हैं। साथ में लेडी फ्लेयर होती है। शी जॉन यून अब जनरल झाओ के कमरे में छिप जाता है क्योंकि उसे उस पर पहले से ही शक था। तभी वहाँ पर लेडी फ्लेयर आती है और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जनरल झाओ और लेडी फ्लेयर आपस में ही एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और इन्होंने ही झूठे तांबे के नक्शे का राज रचाया था ताकि ये उन दोनों राजाओं को लड़ा सकें और उस पर राज्य पर राज कर सकें। लेकिन लेडी फ्लेयर बदल चुकी थी। वो अब मेघ शंख से प्यार करने लगी थी और इस प्लान के बारे में उसे भी नहीं पता था कि जनरल झाओ ने गोस्ट वैली को लोगों को सभी को मरवाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। शी जॉन यून अब सारी बात समझ जाता है कि सारा माजरा क्या है। शी जॉन राजा के पास जाता है ताकि वो उसे सारी बात बता सके, लेकिन जनरल झाओ भी वहाँ पर आ जाता है और चकमा देकर जनरल झाओ राजा चाई शंग को मार देता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि शी जॉन ने राजा को मार दिया। शी जॉन किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि उसके मास्टर ने उसे एक जगह पर बुलाया हुआ है। जब वो अपने मास्टर से मिलने जाता है लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया था। शी जॉन काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसी ने उसे बचपन से पाला हुआ था। वो दिन आता है जब जनरल झाओ को तीनों सेनाओं का कमांडर बनना था क्योंकि राजा तो मर चुका था और उसका बेटा अभी काफी ज्यादा छोटा होता है जो कि राज्य चलाने के काबिल नहीं था। जनरल झाओ अब कमांडर की उपाधि लेने के लिए अंदर जाता है लेकिन तभी उसे मैसेज मिलता है कि गोस्ट वैली के लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया। वो बाहर जाता है और अपने लोगों से कहता है कि इनका मुकाबला करो और वो तलवार लेकर अंदर आ जाता है। राजकुमार के अंगरक्षक कहते हैं कि जनरल झाओ तुम तलवार लेकर अंदर नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और राजकुमार के सारे अंगरक्षकों को मार देता है। झाओ अब उस डिब्बे के पास जाता है जिसमें तीनों सेनाओं के कमांडर बनने की एक शील है। जैसे ही वो डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें गोल्डन मास्क है और वो समझ जाता है कि गोस्ट वैली के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये शी जॉन यून का काम है। शी जॉन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि उसे सारी बात का पता है कि उसी ने उसके परिवार को मरवाया है। अब इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई काफी खतरनाक होती है क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक योद्धा थे। दूसरी तरफ गोस्ट वैली के योद्धा और कमांडर झाओ की सेना आपस में भिड़ जाती है। वो काफी देर तक उनका मुकाबला करते हैं लेकिन गोस्ट वैली के लोग खतरनाक योद्धा थे और वो जीत जाते हैं। दूसरी तरफ हम अपने हीरो शी जॉन को भी देखते हैं जो कि कमांडर झाओ का डटकर मुकाबला करता है और उसे मार कर इस युद्ध को जीत जाता है। एक सेकंड, तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर दो भाई, जल्दी से इस लाल बटन को तोड़ डालो आज और जुड़ जाओ बाइटीज एंटरटेनमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।